हेलो दोस्तों, आरजी क्यूल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर कैसे चेंज करना है, उसके बारे में आज देख लेंगे। तो इसमें कुछ कुछ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। अभी आप देखेंगे इसमें स्पिन ड्रम को निकाल लिया गया है इसमें, ठीक है। देखिए स्पिन ड्रम इधर निकाल के इधर साइड कर दिए हैं, इसका मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा लेट से बनाया। यहाँ जैसे देखिए दो नट होता है, जो यहाँ पुल्ली देख रहे हैं तो ऊपर वाला ड्रम का कसा होता है, नीचे आपका मोटर का मोटर में कसा हुआ होता है। तो ड्रम निकालने के लिए ऊपर वाला खोल के हटा देना है और ऊपर से खींच लेना है। अभी फाइनली हम लोग अभी मोटर निकालेंगे। तो मोटर निकालने के लिए देखिए तीन पेच होता है नीचे से, या फिर किसी में सिर्फ लॉक होता है। तो अभी लॉक हम लोग निकाल रहे हैं, पेंच खोल ली है पहले। अब उसको देखिए इस तरह से इसको खींच लेना है, खींच के इसको बाहर कीजिएगा। अब इसके जगह हम लोग मोटर रिप्लेस करेंगे, नया मोटर लगाएंगे इसमें, साथ में बफर भी चेंज कराएंगे, क्योंकि बफर कटने के वजह से मोटर में पानी चला जाता है डायरेक्ट, क्योंकि ड्रम सीधा लगा होता है, जिस वजह से मोटर जलता है। अक्सर यही केस होता है स्पिन मोटर जलने का। तो अभी हम लोग मोटर और बफर चेंज करेंगे। तो जैसे मोटर अभी देखिए नया वाला और बफर दोनों है, अभी दोनों को हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसको फिट करने से पहले अभी सारा चीज़ जो है वहाँ इसका जो स्प्रिंग है, नीचे का जो बेस है और ऊपर का जो ब्रेक जो इसका मैकेनिज्म है, उसको दोनों को सेट करेंगे। तो इसका पुल्ली जिस तरह इस तरह फंसा के नीचे से आपको खींच लेना है तो निकल जाएगा आसानी से। बाकी इसका जो ब्रेक वाला जो सिस्टम इसका, इसको भी ओपन कर लेंगे। तो इस रस्टिंग हो जाता है इसमें, तो आपको थोड़ा सा देख लीजिए थोड़ा सा खोलने में दिक्कत आ सकता है, तो इसको आपको निकाल लेना है। तो इसको निकाल के हम नया वाला मोटर में फिट करेंगे। नीचे का इसमें सोकर होता है तीन, तो इसको भी खोल के हटा लेना है और उसमें नया वाला में फिट करना है। जो नए हैं दोस्तों, जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ऑल वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। इसमें काफ़ी रस्टिंग होता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा खोलने में मशक्कत करना पड़ता है। तो देखिए फाइनली ये अलग हो चुका है, अब इसके जगह हम नया डालेंगे। स्पिन मोटर भी हर एक कंपनी में अलग आता है, हर एक कंपनी में कितना तरह का अलग अलग तरह का मॉडल होता है। तो आपको मोटर सेम लाना है, क्या कि अलग मोटर वो फिट नहीं बैठेगा, तो आपको सेम टू सेम मोटर ही लगाना है। जैसे देखिए 3 इंच सोकर है, अभी सोकर भी लगा लेंगे, और सोकर से पहले हम लोग इसका ब्रेक वाला मैकेनिज्म है जो, उसको लगा लेंगे। इसका भी ब्रेक वाला जो है थोड़ा सा फंस रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा हम फ्री कर देंगे रस्टिंग की वजह से, ताकि ब्रेक लगने के बाद मतलब ब्रेक लगे और हटे आसानी से। तो अभी उसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा उसको फ्री कर देंगे। तो अभी कुछ भी ऑयल वगैरह लेना है दोस्तों थोड़ा सा, और उसमें दे देना है जहाँ पे ये मूव करता है। यहाँ डाल के थोड़ा सा बार बार इसको इधर उधर करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा, बहुत हद तक ये सही से काम करेगा।
इसको करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग फिट करके आपको दिखाते हैं। वीडियो वॉच करते रहें दोस्तों, आपको काफ़ी कुछ देख के समझ में आ जाएगा। जो आप इस तरह के अगर वर्क करते हैं तो आपको काफ़ी सुविधा रहेगा। देख वापस से इसका भी बैठाने का तरीका होता है दोस्तों। इसका जो ब्रेक वाला जो वायर है इसको सही डायरेक्शन में लगाना है। तो आप जब मोटर पुराने वाले खोल रहे हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा, नहीं तो अगर गलत डायरेक्शन में लगा दिए तो फिर ब्रेक वाला आपको काम नहीं करेगा, सही से कनेक्ट नहीं होगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, तो वापस से आपको फिर से मोटर निकाल के आपको करना पड़ जाएगा। तो एक बार में ही सही तरीके से आप देख ले, पुराने वाले मोटर से मिला के करें, नहीं तो परिश्रम आपका बढ़ जाएगा। तीन स्क्रू पे होता है दोस्तों, तीन स्क्रू आपको सेम टू सेम मिला के लगा देना है। उसके ऊपर आप पुल्ली हम लोग लगा देंगे इसके लगने के बाद। पुल्ली जो मोटर को और इसका जो स्पिन ड्रम है दोनों को कनेक्ट करता है उसको पुल्ली बोलते हैं। देखिए इसका पुल्ली भी फिट हो गया है, तो नीचे का जो नट है उसको लगा देंगे, जो नीचे जो मोटर के पुल्ली में कस जाता है, ऊपर वाले पुल्ली जो आपका जो ड्रायर का ड्रम है उसमें जाता है, तो उसको भी कसेंगे नहीं, उसको हल्का फंसा के ही छोड़ेंगे। अब वापस से इसको हम लोग मोटर जहाँ से निकाले वैसे ही फिट करेंगे। इसमें स्प्रिंग भी लगाना था दोस्तों, इसका वीडियो नहीं बनाया लेकिन अब लग गया। इसको भी देखिए फिट हो गया। फिट करने के बाद सेम जैसे निकाले थे वैसा ही फिट कर देना है और वापस से भी ड्रम भी लगा देना है। अभी फाइनली अब ड्रम लगाएंगे। ड्रम लगाने से पहले हम लोग को बफर लगाना है दोस्तों। जो ये बफर लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अक्सर इसी के फटने से ही मोटर हमारा स्पिन वाला जल जाता है। तो इसको मोटर जब भी आप बदले स्पिन वाला तो आप साथ में बफर अवश्य ही चेंज करें, नहीं तो आप मोटर लगा के जाएंगे और दो दिन में आपका रिपीट कंप्लेन आएगा कि फिर से नहीं चल रहा है। तो आप चेक करेंगे तो आपको मोटर जला हुआ ही केस मिलेगा। तो आप जब भी स्पिन मोटर चेंज करिए बफर ज़रूर से चेंज कर दें। जब बहुत अच्छा कंडीशन में हो तभी नहीं चेंज करें, नहीं तो मान के चलिए आपको चेंज कर देना है। पुराना बफर निकालने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा जो कुछ कुछ होता है गंदगी वगैरह इसमें, ताकि ये बफर को चिपकने सही से नहीं देगा, तो उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसको क्लीन करने के बाद ही हम लोग उसको चिपकाएंगे। तो उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। कुछ भी अच्छा औजार लेना है दोस्तों, जिसमें अच्छी तरह से जो उसका जो पहले वाला जो इसका गोंद जो रहता है, जो फेविकॉल बोले, तो उसी को ये और कुछ गंदगी भी रहता है जो लगा हुआ रहता है, जो नया से जो बफर लगाएंगे उसको चिपकने नहीं देगा। तो इसको जितना हो सके मैक्सिमम इसको साफ़ कर देना है, उसके बाद ही लगाना है। और इसमें लीकेज का बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ना है, नहीं तो मोटर में पानी चला जाएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दें, हौसला बढ़ता है। अभी देखिए उधर बफर लग गया क्लीन करने के बाद, और इधर साथ साथ में इधर मोटर का जो वायरिंग है इसको सेम कलर के हिसाब से जोड़ देना है। अगर सेम मोटर है तो
तो अगर सेम टू सेम मोटर है तो उधर आपको वायरिंग भी आपको सेम कलर के हिसाब से जोड़ देना है। अगर उसका कलर अलग है, अलग मोटर लग रहा है थोड़ा सा, तो उसको आपको कनेक्शन कॉमन रनिंग स्टार्ट के हिसाब से ही आपको मेजर करके जोड़ना है। सॉरी दोस्तों, बफर नहीं लगा है तो बफर हम फिर से भी चिपकाएंगे। इधर वायरिंग पहले कर दिया जा रहा है, उसके बाद हम लोग अभी बफर चिपकाएंगे। और बफर जब भी ले दोस्तों तो अच्छी क्वालिटी का ले, क्योंकि बफर पे ही मोटर है, बफर कटा तो मोटर गया। देखिए अभी बफर चिपकाने का प्रोसेस चल रहा है। इसमें नीचे हम लोग गोंद लगाएंगे और प्लस बफर में भी देंगे, ताकि अच्छे से चिपक जाए, कहीं भी लीकेज का चांसेस ना रहे। अब इसको हाथ से प्रेस करके इसको लगाना है, ऊपर से साइड साइड में इसको प्रेस करेंगे, ताकि लॉक जो है नीचे जाके सारा लॉक हो जाए। ठीक है, इसी तरह हाथ से प्रेस करना है। इसको जोर से दबा के रखेंगे दोस्तों, तब जाके ये नीचे से लॉक होगा। नीचे से भी दिखाते हैं कि उधर कितना फंस रहा है कि नहीं। इसमें थोड़ा आपको जोर आजमाइश करना होगा, नहीं तो मार्केट में नया तरह का आ गया है, जो कसने वाला सिस्टम होता है दोस्तों, जो घुमा के प्रेस होता है, जो दोनों तरफ से आपको उल्टा डायरेक्शन में घुमा के कस जाता है, थ्रेड सिस्टम होता है। इस टाइप की इतना मशक्क़त नहीं करना होगा, लेकिन फिर भी ये इजी है। जिस तरह इसका डिज़ाइन है, बहुत ही इजी वे में लग जाएगा। नीचे से भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लॉक इसका सारा यहाँ पे फंसना चाहिए, तो आपको थोड़ा तेज से प्रेस करना होगा। ठीक है, देखिए कुछ कुछ लॉक फंस गया है। अब इसको दूसरे साइड से करेंगे तो सारा लॉक ये फंस जाएगा। तो इसे देखिए लॉक लगभग, हाँ देखिए लॉक सारा फंस गया। अब ये वापस नहीं निकलेगा आसानी से, जब तक इसको निकालेंगे नहीं ये निकलेगा नहीं। ठीक है, देखिए बफर लग गया। अब इसको फाइनली अब ड्रम हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, ड्रम भी फिट कर दिए। ड्रम फिट होने के बाद फाइनली वास्तव भी सेट कर लेंगे। इसका लोड ले रहे हैं ना, क्योंकि इधर का बेल्ट भी ख़राब था, तो लगे हाथ इधर भी चेक कर ले रहे हैं। अब इधर स्पिन चला के देखेंगे, और इसको ज़्यादा देर नहीं चलाना है दोस्तों, थोड़ा सा चेक ही करना है। बाकी इसको अगले दिन से यूज करना है, 24 घंटे के बाद इसको यूज करना है, बाकी ताकि बफर सही तरीके से सूख जाए, उसके बाद यूज करना है। अभी सिर्फ चेक करना है, कस्टमर को दिखा देना है कि ओके हो चुका है। इसमें क्या था दोस्तों कि इसका कैपेसिटर भी वीक था, जिसके वजह से ये पूरा स्पीड नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से साइड में टच होता था। तो फाइनली इसका कैपेसिटर भी चेंज कर देने के बाद ये अपना स्पीड में चलने लगा, स्पीड होने लगा।
क्योंकि इसलिए इसको अभी देखेंगे तो ये साइड में टच होता है, स्पीड ही नहीं होता था। तो इसका कैपेसिटर वीक था दोस्तों, तो साथ में हम लोग कैपेसिटर भी चेंज करना पड़ा। तो अब जैसे देखेंगे तो कैपेसिटर वीक था तो देखिए इस तरह से पूरा टच करता था, शुरू से पूरा स्पीड नहीं होता था। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए, धन्यवाद।